हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी जीके। दोस्तों, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2020 की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह आप देख पा रहे हैं, इस सीरीज में हम आपके सारे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि आज है 11 नवंबर, तो आज हम आज का सारा एमपी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे दोस्तों। और साथ ही अगर वीडियो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही दोस्तों ऑल सेलेक्ट करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन इसी तरह के वीडियो का मिलता रहे। और साथ ही एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके ओल्ड प्रेप पर और साथ ही आपके अदर वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक के मध्यप्रदेश के सभी चैनल पर प्रॉपर मिलते रहेंगे। और नीचे लिंक पर जाकर डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो भी जरूर देखिए दोस्तों। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने के पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, कल हम स्टैटिक के जो दो क्वेश्चन पूछते हैं डेली, तो कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा नहीं बोली जाती। क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, नहीं बोली जाती दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, काफी लोगों ने क्लियर किया, रीवा। रीवा डिस्ट्रिक्ट में आपका बुंदेली नहीं बोली जाती, बाकी शिवपुरी, दतिया, गुना, ये सभी बुंदेली बेल्ट में आते हैं। अगर डिटेल में बात करें इससे रिलेटेड और अदर क्वेश्चन आए तो देखिए, फर्स्ट तो रीवा डिस्ट्रिक्ट में बुंदेली नहीं बोली जाती। बुंदेली शेरशैनी अपभ्रंश की जन्मी पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली दोस्तों। बुंदेली भाषा को बुंदेलखंडी भी कहते हैं। इसका नाम जॉर्ज ग्रीनशन ने दिया था, ये आपको डेफिनेटली याद रखना, क्योंकि आपके ये एमपीएसआई में रिपीटेड क्वेश्चन है काफी ज्यादा। इसी के साथ बात करें तो मध्य प्रदेश की अन्य बोलियों की तुलना में बुंदेली का क्षेत्र सबसे व्यापक है। मतलब ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे ऑलरेडी पूछा और ये भी आपके पीबी में ही आया हुआ है, पटवारी में, ग्रुप 4 में, अदर पेपरों में, कि आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, तो वो आपकी है बुंदेली। तो आप यहाँ देख सकते हैं काफी सारे डिस्ट्रिक्टों में ये काफी एरिया कवर करती है, जैसे टीपमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, दतिया, गुना, शिवपुरी, मुरैना, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, शिवपुरी। देखिए, अगर आपको डीपली सारे क्वेश्चन आपके क्लियर राइट करने हैं तो आपको ये डिस्ट्रिक्ट याद करने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं कि नहीं बोली जाती, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है पीवी में जब ही मैंने आपको शामिल किया। आपको पता होगा कि हम सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही यहाँ पर लाते हैं। अब देखिए, इसी तरह कल जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, आपका पीएससी प्रीलिम्स, एमपीएसआई, ग्रुप 4, पटवारी, सारे क्वेश्चन पेपरों में ये किसी न किसी सेट पर है। मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित, और साथ ही दोस्तों ये आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन, सॉरी मेंस में ये क्वेश्चन आया है, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में इसमें डिस्क्रिप्टिव आया था आपका सारा, ये 3 मार्क्स में भी आ चुका है और ये आपका बड़े क्वेश्चनों में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन ललित कला, प्रदर्शन कला, साहित्य, तो राइट आंसर है इसका सभी दोस्तों। अब अगर डिटेल में बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, पहले तो भारत भवन की स्थापना कब हुई, ये आपसे नॉर्मल से एग्जामों में पूछा गया है 1 लाइन फैक्ट में, तो ये 1982 में, आपको डेफिनेटली सनवाइज याद रखना है। साथ ही ये भी पूछा जा चुका है कि इसके वास्तुकार कौन थे, तो वो थे दोस्तों चार्ल्स कुरिया। और अगर बात करें तो भारत भवन एक सांस्कृतिक केंद्र है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आप डिटेल में बात करें दोस्तों तो भारत भवन के 5 अंग है जो कि आपको याद रखने होंगे, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें रूपकर है जिसे ललित कला का संग्रहालय है, रंगमंडल है जिसे रंगमंच से संबंधित है, वागार्थ कविताओं का केंद्र है, और अनहत जो शास्त्रीय एवं लोक संगीत का केंद्र है, जबकि जो छवि है दोस्तों वो सिनेमा से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए। तो ये सारे इसके 5 पॉइंट है, जिससे लेकर स्पेशली इससे डीपली क्वेश्चन या तो फिर आपसे ये कब स्थापित हुआ, किसने वास्तुकार थे उनके, ये सारे क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड हैं, तो आपको इससे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि आपके सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह देखिए, अब आज का स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम आप करंट अफेयर सेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, और जिस तरह आपके एग्जाम के सभी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो स्पेशली एमपी पुलिस भर्ती के जो ओल्ड पेपर की सीरीज है उनके अभी तक 3 वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, वो लिंक में नीचे मिल जाएंगे या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो वो भी आप जरूर देखिए, आपके काफी हेल्पफुल करेंगे दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, अब तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में प्रदेश का कौन सा शहर है जो देश का पहला शहर होगा जहां यात्री बसों की रेटिंग की जाएगी। देखिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये शहर आपके मध्य प्रदेश से है। तो ऑप्शन देखिए, अगर आपको पता है तो राइट आंसर मुझसे पहले भी आप सांस में पॉज करके वीडियो के पहले दे सकते हैं, अगर आपको कमेंट में राइट आंसर पता है तो। देखिए, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है भोपाल शहर। भोपाल शहर आपका मध्य प्रदेश का ही नहीं दोस्तों, देश का एक पहला शहर होगा जहां पर यात्री बसों में रेटिंग की जाएगी। अगर डिटेल में बात करें तो देखिए यही चीज लिखी कि मध्य प्रदेश का भोपाल
देश का पहला शहर होगा जहां यात्री बसों में रेटिंग की जाएगी। दोस्तों इस रेटिंग के लिए आपके ऐप डिजाइन किए जाएंगे और ये रेटिंग किस आधार पर की जाएगी दोस्तों, बसों की टाइमिंग, आपके जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उनके व्यवहार, इस आधार पर रेटिंग की जाएगी, जिससे उनकी दोस्तों जो आपकी लोकल जो यातायात के साधन है उनकी दोस्तों सुविधाएं और अच्छी बढ़ सके। तो इसलिए इस तरह की पहल ये कहां पर मध्य प्रदेश के भोपाल में स्टार्ट की जा रही है और ये देश में पहला शहर होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ये आप जरूर याद रखिए। जो भी देश में या मध्य प्रदेश में प्रथम या साथ ही अगर विश्व में प्रथम है जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ, तो आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चन एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। अब देखिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने पीबी के पेपर देते हैं तो दोस्तों अगर किसी जू या चिड़ियाघर में किसी प्रसिद्ध जानवर की मौत हो जाती है तो उसके नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए इसी तरह क्वेश्चन है कि वयोवृद्ध नर्स सिंह सेवा, पहले तो आपको इनका नाम याद रखना है जो कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, इसका नाम था नर्स सिंह सेवा नहीं रहा, यह किस राष्ट्रीय उद्यान में था दोस्तों, तो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं वन विहार, कान्हा, बांधवगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है वन विहार। नरसेवा नाम का जो दोस्तों सिंह था वो आपका शेर था, वो किस राष्ट्रीय उद्यान में, पहले तो आपको याद रखना है नरसेवा वन विहार में, क्योंकि दोस्तों लास्ट ईयर आपका अगर आपने पढ़ा होगा तो इंदौर में दोस्तों एक भालू की मृत्यु हुई थी, तो वो स्पेशली पूछा गया था, स्पेशली एज इट इज आपके पटवारी के पेपर में विथ नाम पूछा गया था या फिर कहाँ पे है, किस शहर में, ये सारी चीजें। तो इससे तीन चार क्वेश्चन, पहला तो आपको याद रखना है कि जो इसकी मृत्यु हुई दोस्तों वो सिंह की, उसका नाम क्या था, शेवा, और ये कहाँ पर था, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। अब डिटेल में अगर बात करें तो वन विहार में 7 दिसंबर 2020 को लगभग रात्रि 10 बजे रेस्क्यू सेंटर हाउसिंग में रखे गए नर शेवा की वृद्धावस्था में मौत हो गई। सेवा वन विहार में जंबो सर्कस, कहाँ से लाया गया था ये भी याद रखना आपको, जंबो सर्कस जयपुर राजस्थान से 2006 में लाया गया था, जब से यहाँ था उसकी उम्र उस टाइम 7 वर्ष थी, सेवा की उम्र लगभग अब 21 वर्ष हो चुकी थी। 2006 से 2010 तक इसे मैं यह 15 सिंह जंबो जैमिनी और राजकमल सर्कस में वन विहार में प्राप्त हुए थे दोस्तों, तो सेवा यह उनमें से एक अंतिम से था। तो डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे कि सेवा किस वन्य उद्यान, किन राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था या मृत्यु हो गई, उसका नाम क्या था, क्योंकि इससे अगर प्रीवियस ईयर के जिस तरह हम सीरीज चल रही है आप उनको जरूर देखिए, वहां पर आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से और किस सेक्शन से आ रहे हैं एमपी पुलिस के लिए स्पेशली दोस्तों। और साथ ही अगर आप व्यापम के अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो वो क्वेश्चन रिपीट आपके अदर एग्जाम में भी होते हैं। देखिए इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आज का करंट अफेयर्स का, कि मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित मुंज तालाब में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू की जाएंगी। तो देखिए किस शहर में स्थित है मुंज तालाब अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मांडू। अगर आपने थोड़ा बहुत डिटेल में मध्य प्रदेश पढ़ा होगा तो आपको स्थित पता होगा कि मुंज तालाब स्पेशली कहाँ पर है। देखिए डिटेल में देखें, मांडू के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मांडू नगर परिषद और पुरातत्व विभाग ने एक योजना के तहत मांडू के जहाज महल के पीछे, इस तरह आप सभी को पता होगा जहाज महल से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ पर है, तो जहाज महल के पीछे ही मुंज तालाब है जो कि वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की शुरू कर पर्यटनों को लुभाना जाएगा दोस्तों। साथ ही तालाब में रंग बिरंगी लाइटिंग लगाकर खूबसूरत बनाया जाएगा दोस्तों। स्पेशली यह है कि यहाँ पर जो ये आप देख पा रहे हैं जहाज महल दोस्तों, उसके आगे पीछे इसी तरह के दो तालाब हैं जिसके कारण ही यह जहाज महल जहाज सा लगता है, फीलिंग आती है, तो इसी कारण से नाम भी रखा गया। तो स्पेशली आपको याद रखना है कि पहला तो मुंज तालाब कहाँ है आपका, मांडू में, और इसी को दोस्तों वाटर एक्टिविटी बढ़ावा दी जा रही है पर्यटन विभाग के द्वारा। तो ये करंट अफेयर्स के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरह के, क्योंकि ये आपके काफी सारे एग्जामों में आने के चांसेस हैं। अब इसी तरह बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश के किस जिले में नया शहर बसाया जा रहा है दोस्तों। जब भी कोई एक न्यू राज्य की राजधानी या कोई नया शहर पूरा न्यू डेवलप किया जाता है, जैसा आपने पढ़ा होगा नया रायपुर, नया अमरावती दोस्तों, एक पूरा शहर का शहर एक न्यू डिजाइन किया जाता है, तो उस प्रोजेक्ट को लगने में भी करीब 1-2 साल लग जाते हैं। तो ये भी इस तरह की पहले एक बार मध्य प्रदेश में हो रहेगी, मध्य प्रदेश के किस जिले में नया शहर बसाया जा रहा है दोस्तों, अगर पता है तो जरूर आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है ग्वालियर दोस्तों। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में आपके एक नया शहर बसाया जा रहा है। डिटेल में अगर बात करें तो अब प्रदेश में ग्वालियर में एमपी हाउसिंग बोर्ड महाराजपुरा के पास एक और नया शहर बसाया जाएगा, एक प्रकार से ये पूरा न्यू शहर डेवलप किया जाएगा। इस शहर को 2 हिस्सों में पूरा किया जाएगा, मतलब तो टाइम पीरियड ड्यूरेशन में इसको कंप्लीट किया जाएगा, और ये प्रोजेक्ट जो है दोस्तों ये दीनदयाल नगर योजना के तहत बसाया जाएगा। तो ये स्पेशली याद रखना, जिस तरह दोस्तों आप पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ को अगर जानते हो तो वहाँ एक पूरा नया रायपुर करके एक नया शहर बसाया गया है, उसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी ग्वालियर में एक न्यू शहर बसाया जा रहा है। तो
ये इसलिए इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आज का इंपॉर्टेंट है कि किस विभाग ने अभी हाल ही में लोकल फॉर दिवाली हैशटैग अभियान शुरू किया दोस्तों, क्योंकि जिस तरह फेस्टिवल का टाइम है तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और फिर ये आपके एग्जाम में भी डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि ये दोस्तों आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं तो आपको इनके बारे में नॉलेज होना कंपलसरी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए लोकल फॉर दिवाली हैशटैग अभियान शुरू किया दोस्तों आपका जो किया है ये है हस्तशिल्प विभाग ने। हस्तशिल्प विभाग ने दोस्तों और डिटेल में बात करें तो मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विभाग निगम द्वारा दिवाली के अवसर पर स्थानीय शिल्पकारों एवं उत्पादित मिट्टी के दिए सूती रेशम हाथकरघा वस्त्रों को विक्रय को बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर दिवाली हैशटैग अभियान का शुभारंभ किया गया। जिस तरह दोस्तों देखिए लोकल चीजों को प्रमोट किया जा रहा है सभी को, तो उसी को देखते हुए इसी को मद्देनजर रखते हुए हस्त विभाग ने भी लोकल फॉर दिवाली हैशटैग प्रारंभ किया। इसके साथ ही दोस्तों निगम द्वारा भोपाल ग्वालियर जबलपुर इंदौर और सागर में दिवाली उत्सव मेलों का आयोजन भी किया है, जो कि इनके टेंट के द्वारा लगाकर इनके सारे जो भी सामान जो रहेंगे लोकल फॉर दिवाली के, तो वो सारी प्रोडक्ट जो फेस्टिवल स्पेशल है उन सभी को लगाकर सेल किया जाएगा। तो ये एक प्रकार की अच्छी पहल है, जिस तरह लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा दोस्तों, उनके प्रोडक्ट भी बिक जाएंगे और एक न्यू तरह से आपको जो कि जिस तरह पॉल्यूशन और सभी से आप देखते हुए ये इस तरह की पहल की जा रही है। भाई देखते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किस शहर में स्थित लांखा बंजारा झील को सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। देखिए जो भी क्वेश्चन अगर आपका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश का, तो डेफिनेटली वो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। तो इसी तरह दोस्तों स्थित लांखा बंजारा झील का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, ये मध्य प्रदेश के किस शहर में, आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सागर डिस्ट्रिक्ट। जो भी सागर से होंगे वो जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों ये प्रोजेक्ट काफी टाइम से चल रहा था, तो स्पेशली अब इसमें क्या किया गया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो लांखा बंजारा झील है वहां पर सफाई और सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। सागर का लांखा बंजारा झील को खाली करने के साथ ही उसमें डिसेस्टिंग और मेगा बंधान मतलब एक प्रकार के तालाब के निर्माण की प्लानिंग शुरू की जा रही है दोस्तों, इसको क्लीन करके, और यहाँ पर बांध बनाने के लिए मिट्टी का भी परीक्षण किया जा रहा है। तो एक प्रकार से इसको रिकंस्ट्रक्ट करके साफ सफाई तरीके पर एक न्यू डिजाइन न्यू लुक दिया जाएगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सारा कार्य होगा। तो आपको ये झील जरूर पता होना चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके स्पेशली पटवारी में काफी ज्यादा आए हुए हैं। तो आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये हमारा करंट अफेयर्स का सारा सेशन कंप्लीट हुआ। अब स्टैटिक के जो क्वेश्चन स्पेशली हम आपसे पूछते हैं जो मोस्टली रिपीटेड है, आप इनको डेफिनेटली इनका आंसर करिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए। अगर यहाँ तक पहुंच चुके हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जो अदर एमपी पुलिस की वीडियो उनको जरूर देखें, और आपके एमपी के जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो आपके सारे मैपिंग्स है वो जरूर देखिए। तो अब देखिए ये क्वेश्चन हमने पूछा आपसे, ये आपका आप एमपीएसआई एमपी पुलिस और ग्रुप फोर में रिपीटेड है कि मध्य प्रदेश में हांडी खोई नामक खाई किस जगह पर स्थित है। ये क्वेश्चन एज इट इज आया, इसका राइट आंसर आपको करना है पचमढ़ी सतना ग्वालियर इंदौर में से। और एक और क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल क्या था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका स्पेशली एमपी पुलिस और साथ ही वन रक्षक में ये वहां पर काफी रिपीटेड है, और ये एज इट इज आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है कि वित्त आयोग का पहला कार्यकाल क्या था। आपको इसका ऑप्शन जरूर करना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग काफी ज्यादा आते हैं। इन दो क्वेश्चनों का राइट आंसर करिए, नहीं पता तो नेक्स्ट डे मैं आपको डेफिनेटली इसके राइट आंसर बताऊंगा। और इसी तरह की सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ऑल सेलेक्ट करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और एमपी पुलिस की वीडियो देखिए, प्रीवियस ईयर के डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो देखिए, और चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, वंदे मातरम। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें।